नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। क्रिकेट जगत में इस समय सिर्फ दो ही बातों को लेकर चर्चा हो रही। पहली चर्चा जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर है, तो वहीं दूसरी चर्चा इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, जो आजकल अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट करने में लगे हुए हैं। जब से ओली रॉबिन्सन का मामला सामने आया है, तभी से सभी खिलाड़ी बेचैन हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं। जहां भी कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो उसे डिलीट कर रहे हैं। वही अब ओली रॉबिन्सन के बाद तलवार लटक रही है यॉन मॉर्गन, जोस बटलर और ब्रैंडन मैकुलम के ऊपर। दरअसल इन खिलाड़ियों के भी ट्वीट्स की जांच की जा रही और कहा जा रहा है कि कभी इन खिलाड़ियों ने भारतीयों की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था। आपको बता दें कि साल 2018 में इंग्लैंड के वनडे और T20 कप्तान मॉर्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने भारतीय क्रिकेट फैंस का मजाक उड़ाने के लिए सर शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में दोनों की बातचीत में मैकुलम भी शामिल हो गए थे। हालांकि इसमें शामिल कुछ खिलाड़ियों ने अपने ट्वीट्स पहले ही डिलीट कर दिए, लेकिन उनके बातचीत के स्क्रीनशॉट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन ट्वीट्स के चलते कहा जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जोस बटलर और मॉर्गन पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं ब्रैंडन मैकुलम को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अब खबरें आ रही है कि इन खिलाड़ियों को IPL से भी फटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि मॉर्गन से कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छीनी जा सकती, तो वहीं ब्रैंडन मैकुलम से हेड कोच का पद वापस लिया जा सकता है। इस मामले पर बात करते हुए KKR के CEO वेंकी मैसूर ने कहा, इस समय टिप्पणी करने के लिए इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को पूरा करें। KKR किसी भी भेदभाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ओली रॉबिन्सन के मामले के बाद कई खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रहा। इंग्लैंड बोर्ड ने ओली रॉबिन्सन को आपत्तिजनक ट्वीट्स के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट से निलंबित कर दिया, जिसके बाद ECB ने एक बयान जारी कर कहा था, हम ओली रॉबिन्सन के मामले के बाद सतर्क हो गए, इसीलिए अतीत में कई और खिलाड़ियों द्वारा किए गए विवादित पोस्ट, जिस पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े किए गए, उस पर भी हमारी नजर है। हमारे खेल में भेदभाव की कोई जगह नहीं, हम जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ एक केस से जुड़ा मामला नहीं, हर केस को अलग तरीके से देखा जाएगा। सभी तथ्यों के आकलन के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। वैसे आपको क्या लगता है, मॉर्गन और मैकुलम को KKR बाहर का रास्ता दिखाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि पुराने ट्वीट्स को लेकर खिलाड़ियों पर कार्रवाई करना उचित है या नहीं।